तो अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि उन्होंने फिल्टर तो बहुत अच्छा लिया है, महंगा लिया है, टॉप फिल्टर लिया है, उसमें बहुत सारा मीडिया यूज़ किया है, जैसे कि मैकेनिकल मीडिया, केमिकल मीडिया, बायोलॉजिकल मीडिया। वो अपने एक्वेरियम के लिए करते तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके एक्वेरियम का पानी क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाता है। वो लोग कहते हैं कि वो लोगों ने वीडियो देखा है यूट्यूब पे कि उनका एक्वेरियम्स का क्रिस्टल क्लियर वाटर रहता है, लेकिन वो जब अपने एक्वेरियम को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि उनका एक्वेरियम का पानी क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाता है। तो अगर आप भी यही सोचते हैं, आपके मन में भी यही सवाल हमेशा आता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपके यही सारे क्वेश्चंस के डाउट दूर होंगे। तो गाइस, मैं हूं निशांत, आप देख रहे हैं फिशेज एंड फिशेज। तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखना। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं वो भी सही है, आप भी सही हैं, तो इसमें गलती किसकी हो रही है? तो गलती हो रही है कि कुछ बातें आपको नहीं पता है कि आप अपने एक्वेरियम के वाटर को क्रिस्टल क्लियर कैसे रखोगे। ठीक है, आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं लेकिन आप उनके बातों को मिस कर जाते हो कुछ कुछ। ठीक है, तो मैं आपको पूरी तरह से इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि आप अपने एक्वेरियम का क्रिस्टल क्लियर वाटर रखने में आप अपनी खुद की मदद कैसे कर सकते हो। तो गाइस देखिए, एक्वेरियम जो होता है वो बहुत ही डेकोर का काम करता है। वो आप एक्वेरियम ले जाओगे अपने घर के हॉल में रखोगे, गेस्ट आएंगे देखेंगे, तो वो एक्वेरियम बहुत ही अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, उसका पानी साफ दिखना चाहिए। अगर गंदा दिखेगा तो आपके मन में भी रहेगा, यार मेरे एक्वेरियम का पानी गंदा है, अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो गाइस देखिए, सबसे पहले टॉप फिल्टर होना तो जरूरी है अगर आपके पास 2.5 फीट से बड़ा एक्वेरियम है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि टॉप फिल्टर के साथ आपको मीडिया तो यूज़ करना ही है। आप तीनों मीडिया यूज़ करिए, मैकेनिकल मीडिया जैसे कि स्पॉन्ज हो गया, केमिकल मीडिया जिसमें कार्बन हो गया, और थर्ड हो गया बायोलॉजिकल मीडिया जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं सेरेमिक रिंग्स या बायो बॉल्स। तो ये सब आपके वाटर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ठीक है, उसको क्रिस्टल क्लियर नहीं बनाते हैं। तो क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको हर हफ्ते वाटर चेंज करना पड़ेगा। आप जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं जिसका एक्वेरियम का पानी बहुत ही साफ दिखता है, वो लोग भी हर हफ्ते अपना टैंक का पानी क्लीन करते हैं। अगर आप वीकली वाटर क्लीन करोगे तो आप देखिए कि आपका पानी भी हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहेगा, समझ रहे हो? तो आलस मत करो, अपने टैंक को साफ रखो। ठीक है, टैंक साफ रखेंगे तो आपका घर भी बहुत ही अच्छा सुंदर दिखेगा, क्योंकि कहते हैं ना, मछलियाँ गुड लक लाती है, फिशेज गुड लक लाती है। एक चीज और आपने गौर की होगी कि अगर आप वीडियोस देखते हैं, उनके एक्वेरियम्स देखते हैं, तो वो अपने एक्वेरियम को ओवर क्राउड नहीं करते। ओवर क्राउड का मतलब क्या हो गया, कि वो अपने एक्वेरियम में बहुत सारी मछलियाँ नहीं डालते हैं। आप देखते होंगे बड़े बड़े गैलन में, 250 गैलन, 240 गैलन, 75 गैलन के टैंक्स में वो कम से कम 10 से 15 मछलियां ही रखते हैं। लेकिन हमारे पास कौन सा टैंक होता है, बेसिकली कॉमनली 2.5 फीट का, 1.5 फीट का, 3 फीट का, इसी में हम लोग 20-25 मछलियां डाल देते हैं। क्योंकि हमारा मन ऐसा है कि हम अगर पेट स्टोर पे जाएंगे तो कोई फिश दिखेगा तो बोल सोचते हैं इसको भी ले लेते हैं, उसको भी ले लेते हैं, और जाके पेट स्टोर से खरीद के ले आके डाल देते हैं अपने एक्वेरियम में। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा मछलियाँ होंगी तो ज़्यादा पूप क्रिएट होगा, ज्यादा पूप क्रिएट होगा तो आपका सबस्ट्रेट गंदा होगा। तो आपका सबस्ट्रेट गंदा होगा तो वो कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो पूप छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, वो आपके वाटर को गंदा करता है। तो अगर आप वीकली वाटर चेंज करोगे तो वो सारा पूप जो है एक सकर के थ्रू निकल जाएगा, वो आपका वाटर फिर गंदा नहीं होगा। और बाकी जो फिल्टर है वो तो आपके वन वीक के टाइम ड्यूरेशन में जो वाटर है उसको क्लीन करने में मदद करता है, समझ रहे हो? तो हमेशा आप वीकली वाटर चेंज किया करो। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, कि आप कभी भी अपने मछलियों को ज़्यादा खाना नहीं देंगे। अगर आप न्यू हो एक्वेरियम हॉबी में, आप मछलियों के बारे में जान रहे हो, अपने पानी को साफ रखने के बारे में जान रहे हो, तो मैं बता दूं कि आपको अपने खाने को आधा करने की ज़रूरत है। आप जितना फूड अभी मछलियों को दे रहे हो उसको आधा कर दो, क्योंकि ज़्यादा फूड देने से मैंने बताया कि वो मछलियाँ नहीं खाएंगी, वो सबस्ट्रेट में बैठेगा, सबस्ट्रेट गंदा होगा, कुछ दिनों बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वाटर में मिलेगा। ठीक है, जिससे पानी आपका क्लाउडी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि आप अपने घर को जिस तरह गंदा नहीं रखते हो, उस तरह एक्वेरियम भी मछलियों का एक तरह से घर हो गया।
तो मछलियों के लिए वो घर साफ रखो, जिससे मछलियाँ खुश रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, समझ रहे हो। अब हम लोग बात करेंगे कि इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या बातें की, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को समराइज करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, अच्छा फिल्टर यूज करने का। अच्छा फिल्टर यूज करोगे, उसमें अच्छा मैकेनिकल मीडिया डालोगे, जैसे स्पॉन्ज डालोगे। सेकेंड हो गया आपका केमिकल मीडिया, कार्बन डालोगे। थर्ड हो गया बायोलॉजिकल मीडिया, ठीक है। ये सब तो आपके वाटर को क्लीन करेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीकली वाटर चेंज, हर हफ्ते पानी को बदलो। थर्ड हो गया मछलियां ज्यादा नहीं डालो, कम मछलियां रखोगे तो कम पूप क्रिएट होगा, जिससे गंदगी कम होगी, आपकी मछलियां खुश रहेगी, हैप्पी रहेगी। फोर्थ पॉइंट, खाना कम दो। खाना कम दोगे तो आपके एक्वेरियम में ज़्यादा फूड क्रिएट नहीं होगा, फूड सबस्ट्रेट में फूड जमा नहीं होगा और पानी साफ रहेगा। तो आपको मैं होप करता हूँ कि आपको मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि आप कौन से मिस्टेक करते हो, ठीक है। और मेन बात यह है कि आप अपने एक्वेरियम का लाइटिंग थोड़ा कम रखा करो, क्योंकि जो लाइट है वो एल्गी को क्रिएट करने में मदद करता है। एल्गी कम होगा तो आपका एक्वेरियम भी साफ रहेगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑल, अपना ख्याल रखना।